दोस्तों 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आरंभ ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई और कॉमनवेल्थ का शुरुआती नाम क्या हुआ करता था। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा, वह कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक कॉमनवेल्थ गेम्स अपने ही देश में करवाए हैं, वह कौन सा देश है जिसने कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में पैरा स्पोर्ट्स कब शामिल किया गया था, भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले कौन व्यक्ति थे, दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र दराज मेडल जीतने वाला कौन व्यक्ति है, इन्हीं सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट ये धमाकेदार फैक्ट्स। नंबर एक, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला एडिशन सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहा जाता था, उस समय इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। नंबर दो, इस साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। दो दशक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की वापसी हुई है। इसमें T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसकी शुरुआत 29 अगस्त को हो चुकी है। देखिए, इसमें सीधी सी बात है, मतलब सारे गेम्स का इंक्लूजन करना है और किसी भी तरह का कोई जेंडर बायस ना रहे, उस चीज़ का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया। नंबर तीन, दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जब शुरू हुए थे तो इसमें 11 देशों से 400 एथलीट्स ने भाग लिया था। कुल 59 इवेंट्स हुए थे और इसमें 6 प्रकार के स्पोर्ट्स खेले गए थे, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन बॉल, रोइंग, एक्वेटिक्स और रेसलिंग शामिल थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी इस इवेंट में वो ये थी कि तैराकी में केवल महिलाएं ही भाग लेती, यानी कि केवल महिलाओं को ही अलाउ था कि वो स्विमिंग के कॉम्पिटिशन में भाग लें। नंबर चार, सन 1930 से लगातार हर 4 साल पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सन 1942 और सन 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि किसी भी तरह के खिलाड़ियों की कोई मूवमेंट की जा सके। नंबर पाँच, आपको ये जानकर बड़ा ही अचंभा होगा कि 1930 से 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। उसके बाद 1956 से 1966 तक इन गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था। सन 1970 से 74 के बीच में इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था और सन 1978 से लेकर आज तक इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया था और जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी थे उन सबको मिलाकर एक कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी। नंबर छः, दोस्तों आज तक 9 कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए जा चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 करवाए हैं अपने ही देश में, कनाडा ने 4, न्यूजीलैंड ने 3 बार, स्कॉटलैंड ने 3 बार, इंग्लैंड ने 2 बार और अब इंग्लैंड जो 2022 में करवा रहा है उसको मिला के इंग्लैंड के भी 3 हो जाएंगे, वेल्स ने 1 बार, जमैका ने 1 बार, मलेशिया ने 1 बार और भारत ने भी 1 बार अपने देश में कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए हैं। नंबर 7, भारत में कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ 1 बार हुआ है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि भारत का स्पोर्ट्स के साथ बहुत पुराना नाता है, लेकिन अभी तक भारत में कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ 1 बार हुआ है। जी हाँ, उसका कारण यही है कि बहुत सारे कॉलोनीज़ हैं और बारी बारी सभी के टर्म्स आती हैं और ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि किस देश के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स कराए। जिनके अंदर नहीं होता वो उसको डेवलप करते हैं, उसको डेवलप करने में थोड़ा समय लग जाता है, कुछ सालों का समय लग जाता है और जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और जब कमेटी संतुष्ट हो जाती है तभी किसी देश को कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी भी तरह का गेम कराने की अनुमति मिलती है। तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ 1 बार सन 2010 में किया गया था, उसके बाद अभी तक भारत में कोई भी कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुआ है। नंबर 8, 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया था। पैरा स्पोर्ट्स जो दिव्यांग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। नंबर 9, वैसे तो हर तरह के इन खेलों में दुनिया का हर देश बढ़ चढ़कर भाग लेता है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो इस इवेंट में सर्वाधिक 72 देशों ने 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था और 2014 में जो ग्लासगो में गेम्स हुए थे उसमें सर्वाधिक 4,929 एथलीट्स ने भाग लिया था, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड संख्या है। नंबर 10, 1930 में पहली बार इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का नाम मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने दिया था और यह इन खेलों का पहला एडिशन था। उस समय यह खेल कनाडा में खेला गया था। नंबर 11,
इस दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रोक रुकावट के हर कॉमनवेल्थ के एडिशन में भाग लिया है। 72 देशों में से सिर्फ 6 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने सन 1930 से लेकर हर कॉमनवेल्थ के एडिशन में भाग लिया है और आज भी भाग लेते जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के 4 एडिशन मिस किए हैं, वो है सन 1930 का, 1950 का, 1962 का, 1986 का। 1962 में जैसा कि हम जानते हैं भारत चीन युद्ध हुआ था। नंबर 12, अगर हम मेडल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक मेडल जीते हैं। उसने 932 गोल्ड, 775 सिल्वर और 709 ब्रॉन्ज जीत के अपनी झोली में डाले हैं, तो कुल मिलाकर 2400 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 181 गोल्ड जीते हैं, 173 सिल्वर जीते हैं और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नंबर 13, भारत को पहला कॉमनवेल्थ मेडल जिताने वाले राशिद अनवर थे। इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था। यह मेडल भारत को 1934 में सेकंड कॉमनवेल्थ एडिशन में मिला था। नंबर 14, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने वाले लेजेंडरी मिल्खा सिंह जी थे, जिन्होंने 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड गेम में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इन्होंने 46.6 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ को पूरा किया। मिल्खा सिंह जी के मेडल का रिकॉर्ड 56 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा था, यानी कि 56 साल तक कोई भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड नहीं लेके आया था। लेकिन सन 2014 में जब विकास गौड़ा ने डिस्कस थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, तभी मिल्खा सिंह जी का यह रिकॉर्ड टूटा। नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया की 13 साल की जेनी ट्यूलर आज भी दुनिया की सबसे युवा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने तैराकी में गोल्ड जीता था। जी हाँ, दुनिया के अंदर आज भी और ऑस्ट्रेलिया से खासकर ये 13 साल की हैं जिन्होंने तैराकी में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड जीता था। नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली 61 साल की डोरोथी रोचे ने 1990 के ऑकलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, 61 साल की उम्र में उनका जो स्पोर्ट्स था वो था लॉन बॉलर, तथा वे ऑस्ट्रेलिया की सबसे उम्रदराज कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल विनर। नंबर 17, भारत के रंजीत कुमार पहले ऐसे पैरा एथलीट बने जिन्होंने भारत को 2006 में कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल दिलाए, यानी कि रंजीत कुमार जी ऐसे पहले पैरा एथलीट थे भारत के जिन्होंने 2006 में भारत को मेडल दिलाया। नंबर 18 और लास्ट, साल 1930 में सिर्फ 11 देशों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था और यह संख्या 2022 में बढ़कर 72 देश हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का कितनी रुचि है, कितना रुझान है और कितना इंक्रीज हुआ है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द आपसे मिलूंगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आपका धन्यवाद।